हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 29 अगस्त और कल है रक्षाबंधन, जिसके लिए मुझे जाना है बाज़ार ताकि मैं राखी की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकूं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये दिन। पर उससे पहले मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। तो मैं तो रेडी हो भी गई। आज मैंने वेयर किया है पिंक टॉप एंड ब्लैक जीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक के बाद कोई भी मेरा फेवरेट कलर होने वाला है ना, तो वो पिंक ही है। और ये है हमारा बहुत सुंदर सा चंबा। और आज बादल क्या मस्त लग रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिन जिनको बादल बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना ये, तो उसमें जो चंबा से हैं और जो चंबा आए हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन आए हैं और कौन कौन चंबा से हैं। मार्केट में इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ थीं कि मैं तो कन्फ्यूज़ हो जा रही थी कि कौन सी लूँ और कौन सी नहीं। और बादल तो लगे इतने सुंदर रहे थे आज की आज के ब्लॉग में, तो ये तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। और ये हैं हम मम्मी और मैं राखी देखते हुए कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़ हो रहे थे, इतनी सारी राखियाँ थी तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन सी लें और कौन सी नहीं। क्योंकि जो मुझे राखी पसंद आ रही थी वो मम्मी को नहीं आ रही थी, और जो मम्मी को आ रही थी वो मुझे नहीं आ रही थी पसंद। राखियों के कन्फ्यूजन के साथ साथ धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी इतनी तेज़ धूप में। पर चलो, राखी तो लेनी ही थी, तो हम देख रहे थे कि क्या पसंद आती है हमें, कौन सी पसंद आती है कौन सी नहीं। और बार बार मैं इसको ये बोले जा रही थी कि तू मुझे भी ले रहा है क्या, कि सिर्फ इन लोगों को ही ले रहा है वीडियो में। बाय द वे, ये वीडियो मेरा भाई बना रहा था और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था मेरी वीडियो बनाने के लिए। इतनी मुश्किल से मैंने उसको बनाया है कि मेरी वीडियो ले ले यार, एक तो बना दे मेरी वीडियो कहीं जाकर, तब जाकर उसने मेरी ये वीडियो बनाई है। और एक बात तो है सही में कि स्टार्टिंग में इतनी भीड़ में थोड़ा अजीब तो लगता ही है वीडियो वगैरह बनाने में। और आज है 30 अगस्त, यानी रक्षाबंधन है आज। और ये मेरा क्यूट सा भाई है जो वीडियो में नहीं आना चाहता है। अच्छा, मैं इससे ये पूछ रही थी कि तू मुझे गिफ्ट में क्या देगा, और इसने पता है क्या बोला, इसने बोला मैं तुझे बबल्स दूंगा। और शायद ये इसने इसलिए बोला क्योंकि इसके पास ना बबल्स हैं, और ये मैं इससे मांगते रहती हूँ कि मुझे दे दे उड़ाने के लिए। और इसने शायद इसलिए बोला कि ले, तू ही ले ले, मुझे चाहिए ही नहीं, तू खुश रहे। तो मैं हो गई रेडी, तो अब मैं जाऊँगी अपने रिलेटिव्स के यहाँ राखी बांधने। विक्की को तो अभी मैंने नहीं बांध दिया क्योंकि भाई मम्मी का टाइम 9 बजे के बाद, तो उस टाइम बांधेंगे। 9 बजे के बाद का मेरा मतलब ये था कि आज काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आज ना जो मुहूर्त है वो अच्छा नहीं है। मुहूर्त जो है वो 9 बजे से लेकर, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का ही अच्छा है, तो तभी राखी बांधनी है। और ये है मेरा आज का लुक। और यहाँ मैं आई हूँ अपने मामों के यहाँ, और ये मेरा छोटा सा भाई है जो कि बड़ा क्यूट है। इसको मैंने राखी पहनाई क्योंकि और भी लोग इसको राखी पहना चुके थे, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी पहना ही देती हूँ इसको राखी। और पता नहीं क्यों ये इतने अलग अलग रिएक्शंस क्यों दे रहा था, हम पर बहुत क्यूट लग रहा था। फिर ये मुझे शगुन देने आया, तो मैंने बोला कि पहले मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएगा फिर मैं शगुन लूँगी। और ये शुरू हो गया हमारा नेक्स्ट डे। कल रात को तो विक्की को राखी हमने डलवाई नहीं थी, तो आज पहनाएंगे। और ये था मेरा राखी का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।